बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे कि स्कूल के लिए वेबसाइट या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का किस तरह बनाते हैं और उसके अंदर क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं और उसको किस तरह चलाना होता है वेब के ऊपर या लोकल सिस्टम पे भी, अपना वेम्प या जेम सर्वर इंस्टॉल करके और या डोमेन वगैरह खरीद के वेब के ऊपर भी कैसे चलाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये टोटली आपका स्कूल एडवांस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। आप जब ये सॉफ्टवेयर हमसे खरीदेंगे तो आपको जो है ना, सबसे पहले एडमिन पैनल के अंदर आपको यूजर पासवर्ड का देना लाजमी होगा। यूं ही यूजर पासवर्ड आप दे के लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इसी तरह जब लॉगिन होगा तो इसके अंदर जो है ना, आप इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि इस डैशबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर एडवांस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है और यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन लिखा हुआ है। आप इस वेबसाइट को तमाम लैंग्वेजेस में चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश से लेके बंगाली से स्पेनिश से लेके तमाम रशियन, पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी लैंग्वेजेस है उसमें आप इस लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये इस तरह जिस लैंग्वेज में भी आप क्लिक करके ट्रांसलेट करेंगे तो ये उसी लैंग्वेज में जो है ना, आपका पूरा वेबसाइट जो है ना इस तरह ट्रांसलेट होता जाएगा। ये देखिए, अभी मैंने रशियन किया था तो रशियन में इस तरह का चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब मैं दोबारा चेंज करके इसको मैं इंग्लिश करूंगा तो ये तमाम चीजें आपके सामने इंग्लिश में नजर आएंगे। ये देखें, अब इस तरह इसके साइड पे जो है ना, इसका मेनू बनाया गया है। दरमियान में जो है ना डैशबोर्ड बना हुआ है एडमिन का, इधर स्टूडेंट का लिखा हुआ, टीचर का लिखा हुआ, पेरेंट का लिखा हुआ, लाइब्रेरियन का लिखा हुआ, अकाउंटेंट्स का भी ऑप्शन है, ऑल इंक्वायरीज का भी है, मैनेजर्स के लिए अटेंडेंस के बारे में भी है। नीचे इसका स्टैटिस्टिकल चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे उसका कैलेंडर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे जो है ना उसका सर्कल बनाया हुआ। तो ये इस तरह का जो है ना डैशबोर्ड के अंदर ये चीजें आपको नजर आएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखा हुआ डैशबोर्ड, नीचे लिखा मैनेज सेशन, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर आप देख रहे हो कि एडमिट स्टूडेंट कितने हैं, एडमिट बल्क स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्लास वाइज होगा, ये क्लास वन से लेके मैट्रिक या इंटर तक जितना भी आपके ग्रेजुएशन तक आपके क्लासेस जो भी स्कूल में आपके क्लासेस होंगे उसके मुताबिक है। यहाँ पे क्लास केजी लिखा हुआ है, क्लास प्राइमरी वन लिखा हुआ है, क्लास प्राइमरी थ्री लिखा हुआ है। उसके बाद आप इसके ऊपर बंद करेंगे तो आपको नजर आएगा जनाब एकेडमिक सिलेबसेस के बारे में लिखा हुआ है, टीचर्स के बारे में लिखा हुआ है, टीचर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, प्रोम का प्रोफाइल वगैरह। फिर पेरेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, हर स्टूडेंट का पेरेंट या गार्डियन जो भी होगा उनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर लाइब्रेरियन का भी ऑप्शन इसके अंदर है। फिर मैनेज अलमोनी का है, मैनेज अलमोनी को किस तरह हम मैनेज करेंगे। फिर मैनेज मीडिया को किस तरह मैनेज करेंगे। ऑल इंक्वायरीज भी है यहाँ पे, मैनेज लोन वगैरह किस तरह लेते हैं, लोन्स के अंदर लिखा हुआ मैनेज लोन एप्लीकेशन किस तरह बनाते हैं उसको, मैनेज लोन अप्रूवल्स वगैरह किस तरह देते हैं, ये तमाम चीजें इसके अंदर आपको नजर आएंगे। अभी तो फिलहाल मैंने कुछ रखा नहीं है इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर स्क्रीन नजर आता है, इसके अंदर कोई खास चीजें नहीं है। यहाँ पे आपका है इंक्वायरी कैटेगरी। इंक्वायरी कैटेगरी के अंदर आप देख रहे हैं कि क्या क्या कैटेगरी इन्होंने बनाया है इसके अंदर। इसके अंदर पेरेंट का लिखा हुआ, एडमिशन का लिखा हुआ, टीचर का लिखा हुआ और यहाँ पे आप इसको डिलीट और एडिट का ऑप्शन भी रखा हुआ। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं इंक्वायरी के अंदर, ये पूरा सिस्टम आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट्स का लिखा हुआ कि आपके पास कितने, आपके स्कूल में कितने अकाउंटेंट्स है, उनके बारे में नाम, उनका ई मेल एड्रेस और उनका तमाम चीजें डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हॉस्टल वगैरह है, हॉस्टल के बारे में जनरेट आई डी कार्ड वगैरह है आपका, टीचर्स का, होटल हॉस्टल जो है ना मैनेजर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए और लाइब्रेरियंस के लिए, ये एक ऑप्शन आपके पास है। फिर क्लासेस के अंदर क्लासेस है, मैनेज क्लासेस है, मैनेज सेक्शंस है, एकेडमिक सिलेबसेस है, इस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट्स के अंदर लिखा हुआ है जी कितने क्लास, हर क्लास का सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद क्लास का रूटीन लिखा हुआ है, क्लास स्कूल क्लब में भी मेंशन है यहाँ पे, मैनेज सर्कल के बारे में है, टास्क मैनेजर है, स्टडी मटेरियल्स के बारे में है, डेली अटेंडेंस के बारे में है, मैनेज सीबीटीज है, एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम्स का सारा कुछ लिखा हुआ है, मैनेज एग्जाम्स क्वेश्चंस आप किस तरह का तैयार करेंगे, एग्जाम्स की लिस्ट है, एग्जाम्स की ग्रेड्स है, फिर एग्जाम मैनेज मार्क्स है, सेंड मार्क्स बाई SMS लिखा हुआ है, आप अपने स्टूडेंट्स को जो है ना SMS के जरिए आप उसको मार्क्स को सेंड कर सकते हैं, टैबुलेशन सीट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आपका जी एग्जाम्स के बाद आपका असाइनमेंट बनाया हुआ है, अकाउंटेंट्स के अकाउंटिंग के बारे में लिखा हुआ है, लाइब्रेरियंस के बारे में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग के अंदर क्रिएट स्टूडेंट पेमेंट का लिखा हुआ, स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। यानी अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर क्या लिखा हुआ, क्लास वाइज लिखा हुआ है,
फिर स्टूडेंट का आईडी कार्ड लिखा हुआ, टाइटल लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, डेट लिखा हुआ, टोटल लिखा हुआ है, फिर आपका पेमेंट लिखा हुआ, स्टेटस पेड है या अनपेड है वो लिखा हुआ, मेथड क्या है, कैश के जरिए किया है, चेक के जरिए किया या मनी ट्रांसफर किया, जो भी है ये पूरा समझो आपका डेटाबेस सिस्टम आपके पास तैयार है, स्टूडेंट का फीस मैनेजमेंट सिस्टम यानी। तो इसके अलावा आपका आप जब नीचे आएंगे तो इसके बाद स्टूडेंट पेमेंट है, एक्सपेंसिस कितने आ गए, एक्सपेंसिस की कैटेगरीज आए, ये तमाम चीजें जो है ना आपके पास तैयार है। आप इस हिसाब से अपने स्कूल को मैनेज कर सकते हैं, आप इस हिसाब से अपने स्कूल को जो है ना रन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइब्रेरियन के बाद आपका ट्रांसपोर्ट्स का भी लिखा हुआ है, उसके अलावा नोटिस बोर्ड्स का भी लिखा हुआ है, मैनेज होल्डर्स का भी लिखा हुआ है, सेटिंग्स यानी तमाम तर ऑप्शन जो है ना, अकाउंट्स पे भी लिखा हुआ है, तमाम तर ऑप्शन जो है ना आपका इस वेबसाइट के अंदर कम्प्लीट तैयार है। या यहाँ पे आप अपने ईमेल के एड्रेस और अपडेट अकाउंट्स वगैरह अपडेट करने के लिए भी पूरा एंड में ऑप्शन दिया गया है। तो ये वेबसाइट का एक समझो एक टेम्पलेट या एक थीम मेरे पास तैयार है, मैं इसको प्रॉपर अंदाज में अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट यानी आपके रिक्वायरमेंट के तहत मैं इस पूरी जो है ना वेबसाइट को आपके लिए मैं तैयार कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्कूल के या किसी कॉलेज के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या जो आप स्कूल रन करने वाले बंदे जो है ना आप समझते हैं कि हम मुझे इस तरह का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जिसके अंदर फीस मैनेजमेंट सिस्टम भी हो, एग्जामिनेशन सिस्टम भी हो और टीचर्स का भी लिखा हुआ है, पेरेंट्स का रिकॉर्डिंग भी हो, सारा कुछ सिस्टम आपके पास आपको चाहिए, तो मैं इस सिस्टम को इस वेबसाइट को कम्प्लीटली आपके लिए मैं तैयार करके आपको मैं हवाला कर सकता हूँ। तो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें फिर मैं चेंजिंग करता रहूँगा और आप मजीद इसमें कोई ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इसमें हम डाल सकते हैं। इसमें तो मैं हर लैंग्वेज का लिखा हुआ, अगर आप कहते हो ना ये दो या तीन लैंग्वेजेस होने चाहिए तो इसको हम उठा भी सकते हैं। तो ये पूरा तैयार आपके पास है। अगर आप में से किसी बंदे को चाहिए है कि इस तरह की वेबसाइट्स या इस तरह के स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे जो है ना साथ आप किसी भी टाइम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर आपको दे सकता हूँ। ये मेरा ईमेल मोबाइल नंबर है जिन पाकिस्तान के कोड नंबर के साथ 03105688263 जोन का नंबर है। ईमेल एड्रेस है info@clicktechnologies.us और मेरे वेबसाइट का नाम है www.clicktechnologies.us। तो ये मेरा कंप्लीट कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। अगर आप में से किसी भी बंदे को आप चाहते हैं कि नहीं आपको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट आपको चाहिए, बना के चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अपना डिटेल जो है ना आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं आपको तैयार करके आपको दे सकता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा सुना। अल्लाह हाफिज़।